This conference will now be recorded. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Ji, kya haal hai aap sab ka? Theek hain? Shuru Allah ke naam se jo bada meherban aur nihayat rehm wala hai. Aap sabko SEO experts training ke is 24वें batch ke jo ki exclusive batch hai, session hai, iske lecture number 4 mein खुश आमदीद कहता हूं और उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को तीसरे लेक्चर तक जो सिखाया, जो आप लोगों को नीच फाइंडिंग का आइडिया दिया, वहां तक आप लोगों को बड़े बेहतर तरीके से समझ आ गई होगी। अगर फिर भी किसी चीज़ की कमी रह गई है, कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, आप लोग पूछ सकते हो। आप लोगों को तमाम सवालों के जवाब मिलेंगे इंशाल्लाह। एक बंदा ग्रुप में पोस्ट कर दे और व्हाट्सएप ग्रुप में भी बता दे कि लेक्चर स्टार्ट हो गया। जी बाकी स्टूडेंट्स भी आ जाने साथ में। जी वालेकुम सलाम। हाँ जी, आकिब जो फेसबुक का ग्रुप है ना, वहाँ पर भी पोस्ट लगा दो कि लेक्चर स्टार्ट हो गया है, ठीक है। और हमारा व्हाट्सएप का भी ग्रुप बना है या अभी नहीं बना व्हाट्सएप का? व्हाट्सएप पे आज बनाना पड़ेगा, ठीक हो गया। व्हाट्सएप पे भी ग्रुप आज बना देंगे ताकि जो है वहां पर सारा दिन जो डिस्कशन है वो वहां पे होती रहे। बिल्कुल ठीक है आके, बिल्कुल ठीक है। ओके ठीक हो गया। अच्छा, आप लोगों को बेसिकली जो कल नीच का आइडिया दिया, कंपेटिटर एनालिसिस आप लोगों को करके दिखाए, वो इसी वजह से मैंने करके दिखाए ताकि आप लोगों के लिए अपनी नीच के अंदर रहते हुए कंपेटिटर्स को खंगालना आसान हो जाए। क्योंकि एसईओ का मैं आप लोगों को मेन पॉइंट बताता चलूं कि एसईओ में क्या होता है कि आपको अगर नीच सिलेक्शन नहीं आती आप फ्लॉप हो जाते हो। अच्छा, एसईओ में आपको अगर कीवर्ड रिसर्च नहीं आती, आपको फॉर एग्जांपल आप 10 कीवर्ड निकाल रहे हो, 5 कीवर्ड आपके लो कंपटीशन होने चाहिए। अगर 10 के 10 हाई कंपटीशन होंगे फिर आपका बहुत बजट लगेगा, कीवर्ड दुनिया का कोई भी रैंक हो जाएगा। मैं फिर कह रहा हूँ, कीवर्ड दुनिया का कोई भी रैंक हो जाता है, मगर बात ये होती है कि फिर उस पर खर्चा ज्यादा होता है जब ज्यादा कंपटीशन वाला कीवर्ड होता है, ठीक है। क्योंकि उस पर जो हमारा कंपेटिटर है वो पैसा लगा रहा है, वो जो है उसकी सोशल मीडिया मार्केटिंग बहुत अच्छी कर रहा है, वो उसके बैकलिंक्स बहुत तकड़े बनाता है, जिस वजह से हमें भी उससे ज्यादा अच्छा काम करना होता है। कोई भी बंदा ये नहीं होता कि किसी फलाने कीवर्ड पे रैंक क्यों नहीं कर सकता, हर बंदा कर सकता है।
बस आपको बजट चाहिए होता है और पेशेंस चाहिए होता है, यानी कि सबर, बजट एंड पेशेंस, बजट एंड पेशेंस, ये दो चीजें मेन है एसईओ के अंदर। अच्छा, तीसरी चीज, जब आपको फॉर एग्जाम्पल नीच का आइडिया हो जाता है, कीवर्ड आपको निकालना आते हैं, तीसरी चीज होती है कंपेटिटर एनालिसिस। आपका अपने सेम बिजनेस के अंदर रहते हुए और लोग जो काम कर रहे हैं, वही उसी तरह की वेबसाइट पर जो और लोग काम कर रहे हैं, उनको हराने का आपके पास फार्मूला होना चाहिए। वो फार्मूला मैंने आप लोगों को कल समझा दिया है टॉप 10 एनालिसिस के जरिए, कंपेटिटर एनालिसिस टॉप 10 जो बताए हैं, ये वही फार्मूला है जो मैं आप लोगों को बार बार बता रहा हूं। ठीक है। अच्छा, और ये क्यों जरूरी है, क्योंकि जब आपने किसी नीच पे काम करना है, फॉर एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को कल भी समझाया कि जब एक फील्ड नहीं है हमारी, फॉर एग्जाम्पल मैं एक एसईओ करने वाला बंदा हूँ, या कह लो कि मैं जो है वो इंजीनियरिंग कर रहा था फॉर एग्जाम्पल, और मुझे ऐसी वेबसाइट के ऊपर काम करने का मौका मिल रहा है जो एक मेडिकल से रिलेटेड है, जो एक मेडिकल से रिलेटेड है, तो डेफिनेट बात है कि मेरे लिए परेशानी होगी, क्योंकि मुझे मेडिकल का नॉलेज ही नहीं है। मुझे तो अलिफ मेडिकल का एम नहीं पता, मिसाल दे रहा हूँ, मुझे तो अलिफ बे नहीं पता। मगर हम लोग एसईओ में कभी भी ये नहीं कहते कि मैंने इस नीच पे काम नहीं करना। हमें जहां पर भी अपॉर्चुनिटी नजर आएगी, आती है, हम उसको सद बिस्मिल्ला करके उस पर काम शुरू कर देते हैं। इसको एसईओ एक्सपर्ट बोला जाता है, वर्ड को समझना है, एसईओ एक्सपर्ट। एसईओ एक्सपर्ट वो होता है जिसको कोई भी दुनिया का कीवर्ड दे दिया जाए, वो रैंकिंग करवा लेता है हर हाल में। व्हाइट हैट एसईओ की बात करूं, ब्लैक हैट की तो बात ही नहीं कर रहा मैं, ठीक है, हमारा काम कोर्स के अंदर है ही व्हाइट हैट। अच्छा, तो बेसिकली ये सारी चीजें आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसके ऊपर आपने ग्रिप हासिल करनी है। जो बंदा नीच सिलेक्शन, कीवर्ड सिलेक्शन, अच्छा अजान हो जाए, जस्ट होल्ड ऑन, अजान हो जाए, उसके बाद दोबारा स्टार्ट करते हैं, जस्ट होल्ड। Thank you.
अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था बेसिकली कि जो मैं आप लोगों को स्टेप बाय स्टेप चीज़ें सिखा रहा हूँ, ये आप लोगों ने इसके ऊपर ग्रिप हासिल करनी है। जो मुझसे सीख के जाते हैं स्टूडेंट्स, वो दुनिया में कहीं पे नाकाम नहीं होते, वो दुनिया में कहीं पे उनको परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। लफ्ज़ों की हेरा फेरी होती है, मैं आपको फिर बता दूं, लफ्ज़ों की हेरा फेरी होती है। एक जो रोड है ना, अब आप लोगों को आज जो बड़ी मोटी मोटी बात करूंगा, इस चीज को आप लोगों ने समझना है कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। एक जो सड़क होती है ना, मेन मेन जो वर्ड है वो है सड़क। जब वो हाईवे पे होती है तो उसको हाईवे का हिस्सा कहते हैं कि ये हाईवे रोड है, ठीक है, हाईवे का रास्ता है ये। जब वो मोटरवे पे होती है तो उसको वो कहते कहा जाता है, क्योंकि मोटरवे का रास्ता है वो भी सड़क, है वो भी सड़क। दोनों ने ही मुसाफिर को उसकी मंजिल पे पहुंचाना होता है। क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करता हूँ, विद इन यानी कि पाकिस्तान मुख्तलिफ शहरों में जाता हूँ, तो एक सेमिनार्स के लिए, तो मैं ये चीज़ बड़ी महसूस करता हूँ जो आप लोगों को बताइए कि रास्ता बेसिकली वर्ड है सड़क। वो जब हिस्सा बनती है मोटरवे का तो वो कहते हैं मोटरवे का रास्ता है, जब वो हिस्सा बनती है हाईवे का तो कहते हैं हाईवे का रास्ता है, ठीक है वही सड़क जो हमें हमें हमारी मंजिल तक लेके जा रही होती है। आपको बताने का मकसद यह है कि मैं मेरे पास और कोर्सेज से काफ़ी स्टूडेंट्स आते हैं कि मैंने फलाने से ट्रेनिंग ली है, अभी तक जो है वो मुझे कोई समझ नहीं आई है, वो इतना कॉम्प्लिकेटेड कर दिया है काम को। तो मैं कहता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि भाई आपने उनसे ट्रेनिंग क्यों ली या उसने आपको कोर्स का कंटेंट क्या सिखाया, मुझे ज़रूरत नहीं है। मुझे पता है कि ये एक डॉक्टर के पास जब पेशेंट जाता है ना, तो डॉक्टर को ये नहीं होता कि ये जो है फलाने डॉक्टर ने इसको क्या दवाई दे दी होगी। उसको ये होता है, अगर समझदार डॉक्टर है ना, उसको ये होता है कि मैं इसको ठीक करके भेजूं ताकि ये किसी और के पास मतलब जाकर मेरा गिला ना करे। ऐसे ही मैं, मेरे पास जब कोई ट्रेनिंग के लिए आप लोग आए हो, और पहले भी जब कोई आता है, तो मेरी ये कोशिश होती है कि मेरे पास जितना भी नॉलेज है उसका 1% भी अपने पास ना रखूं, क्योंकि मैंने ये ट्रांसफॉर्म और ये ट्रांसफर आप लोगों के अंदर करना ही करना है, ठीक है। तो अब आप लोगों को ये जो चीज़ें बता रहा हूँ ना, तीन मेन चीज़ें हैं ये, इसको आप लोगों ने, इस पे ग्रिप हासिल करनी है। बताने का मकसद ये है, जो असाइनमेंट वर्क है उसको आपने वक्त से पहले पूरा करके मुझे देना है। जब आप लोग मुझे वक्त से पहले करके दोगे, मुझे पता होगा कि आप लोग काम करने के लिए कोर्स में आए हो, ठीक है, आप लोग अपने पैसे हलाल करने के लिए कोर्स में आए हो, तो मैं आप लोगों की हेल्प ज़्यादा करूंगा, आप और लोगों से और स्टूडेंटों से ज़्यादा जल्दी आपको रिप्लाई करने की कोशिश करूंगा, ताकि आप लोग ज़्यादा जल्दी आगे बढ़ो। आप लोग आगे बढ़ोगे तो मेरा नाम आप लोग रोशन करोगे ना। जो काम करने वाला बंदा होता है वही काम, वही नाम रोशन करता है, जो फजूल टाइम जाया करने आता है वो तो इधर उधर की बातें करके चला जाता है ना, कि ये कोर्स का फायदा नहीं हुआ या मुझे आपसे फायदा नहीं। जिसको नॉलेज का कोई एक लफ्ज भी सीखने को मिलता है वो अप्रिशिएट करता है, जिसने सीखने के बाद भी उसको कितना ज्यादा सिखा दे, जिसने नहीं करना उसने नहीं करना, उसके लिए मुझे कोई दुख है ही नहीं। और ये मैंने ऑनलाइन ही सीखा है, ठीक है, मैंने मुख्तलिफ लोगों से सीखा कि इतनी मेहनत करके भी अक्सर लोग आपको ऐसी बात कर जाते हैं कि आपने उनके पर इतनी मेहनत की होती है, रात को 1 बजे 2 बजे भी आप स्टूडेंट को अगर रिप्लाई कर रहे हो फोन पे, इससे बढ़ के कोई बात नहीं, अपनी नींद हराम कर रहे हो, और वो स्टूडेंट कल को आपको आपको आपका नाम भी कहीं नहीं ले रहा होता। हाँ, इतना बड़ा तो वो हो गया कि वो आपका नाम ही नहीं ले रहा होता। ऐसे मार्केट में मैंने बहुत लोग, अल्लाह का शुक्र है, बनाए हैं, जिनका मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, मुझे अफसोस भी नहीं है, बट ये होता है कि मैंने लाइक अपनी तरफ से मैंने अपना 110% दी है और मुझे गिल्टी नहीं है, ठीक है। तो आप लोगों के अंदर भी मैं वही चीजें जो है वो आप लोगों के अंदर मुंतकिल कर रहा हूँ। इस वक्त से फायदा उठाने, जैसे कोरोना के दिन चल रहे हैं, लॉकडाउन किसी हद तक चल रहा है, ठीक है, फुली नहीं है अभी, पिछले दिनों में बहुत ज्यादा था, इन दिनों में थोड़ा सा ठीक है, नरमी है। तो आप लोगों ने इस वक्त का फायदा ज्यादा से ज्यादा उठाना है। अब आज जो हमारा जो टॉपिक है वो है कि हाउ टू फाइंड विनिंग कीवर्ड्स, विनिंग कीवर्ड्स कैसे फाइंड किए जाए। विनिंग कीवर्ड्स का कल आप लोगों को मैंने बता दिया था, विनिंग कीवर्ड का बेसिकली है क्राइटेरिया। ये हम गूगल एडसेंस की बात कर रहे हैं,
ओके सबसे पहले तो गूगल की एक्सटेंशन को समझने, पाकिस्तान के लिए गूगल google.com.pk। आप लोगों को इस चीज का पता है कि ऐसे कंट्री वाइज साइट खुलती है, ठीक है। अच्छा, इंडिया के लिए google.in भी है पाकिस्तान की। इस तरह ना एक्सटेंशंस हैं गूगल की जो आपने समझनी है। गूगल फॉर एग्जांपल, हम लोगों ने, मैंने जैसे आप लोगों को बताया पहले कि हम लोग किसी ना किसी कंट्री को टारगेट करके चलेंगे, अदरवाइज वर्ल्ड वाइड को टारगेट नहीं करेंगे। इस चीज़ को पहले तो गलती इसको ख़त्म करना है, वर्ल्ड वाइड को हमें टारगेट नहीं करना। हाँ, यानी कि गूगल हमें रैंकिंग देगा पूरी दुनिया में, मगर एक कंट्री होगी जिसमें उस कीवर्ड की ज्यादा डिमांड होगी। डिमांड होगी, हमने डिमांड पे काम करना है। अब फॉर एग्जांपल, ऐसे भी मैंने लोगों को सुना कि मैंने फलाने, मेरा जी फलाना जो है ना वो उस्ताद है, उसने तो इस कीवर्ड पे जो है ना हमें रैंकिंग 24 घंटे के अंदर करवा के दिखाई है। मैंने कहा कौन सा कीवर्ड ऐसा। जब मैंने उन कीवर्ड की सर्चिस देखी तो जीरो सर्चिस थी। आपने हमेशा जहन में रखना है, जब भी आपने एक वेबसाइट बनानी है और उससे पैसा कमाना है, ऑलवेज वर्क ऑन कीवर्ड्स विच हैज सर्चिस। ऐसे कीवर्ड पे काम किया जाता है जिसकी सर्चिस होती हैं। बगैर सर्चिस वाले कीवर्ड को तो मैं बच्चे को भी दे दूं, मैट्रिक के बच्चे को, वो भी उस पर रैंकिंग करवा देगा। वो कोई बहुत बड़ी कोई बात नहीं है, कोई कोई कह लो कि जो है ना कोई मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। SEO में हम जो ये जो ऑनलाइन मार्केटिंग में आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इंटरनेट मार्केटिंग सिखा रहा हूँ, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन जो है बेसिकली मार्केटिंग है, और ये जो आप लोगों को सिखा रहा हूँ, इसमें आप लोगों ने समझना है कि हमेशा ऐसे कीवर्ड पे काम किया जाता है जिनकी सर्चिज होती हैं, ठीक है। बगैर सर्चिज वाले कीवर्ड पे काम करना फजूल है। अच्छा, उसके बाद अब नेक्स्ट चलते हैं। जो आप लोगों को कीवर्ड मैंने स्टार्ट में बताया वो था बिल्कुल बेसिक कीवर्ड रिसर्च, इसलिए मैंने आप लोगों को जो है ज़्यादा डिटेल में नहीं किया। अब आप लोगों को आज बताता हूँ गूगल एडवर्ड्स कीवर्ड प्लानर, जो कि आप लोगों को पहले भी बताया है। google.com/ncr Google for Google suggest और trends.google.com Google Trends को देखने के लिए। फॉर एग्जाम्पल,
माइक्रोग्रीन में एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे कि कल हमने एक एक साइड से उसकी नीच निकाली, मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं इसको यहाँ पर करता हूँ गेट रिजल्ट्स, ठीक है। अच्छा मजीद मुझे कीवर्ड निकालें माइक्रो ग्रीन, ये जो मैं कीवर्ड टाइप कर रहा हूँ स्पेस दबा रहा हूँ, ये जो नीचे लिस्ट आ रही है ना, ये सजेस्टेड कीवर्ड्स कहलाते हैं। कुछ लोग कहते हैं ना हमें कीवर्ड्स नहीं मिलते, और ये कीवर्ड्स हैं। ठीक है, गूगल सजेस्ट यहां से मुझे कीवर्ड मिले, फॉर मैं सबको नोट कर लूंगा और इनके बाद में सर्चिस चेक कर लूंगा। ठीक है, अच्छा अब देखो ये कीवर्ड मुझे नहीं पता था कि और भी कीवर्ड हैं इस नीच के अंदर, ठीक है। मगर कहां से मुझे पता चला, एडवर्ड कीवर्ड प्लानर से मैं निकालूंगा, गूगल सजेस्ट से निकालूंगा, ठीक है। अच्छा उसके बाद यही जो मेरी मैंने जो फॉर एग्जांपल नीच का आइडिया लिया, इसको मैं गूगल ट्रेंड में चेक करूंगा, यहां से मुझे पता चलेगा कि इस कीवर्ड की ज्यादा सर्च करने वाली कंट्री कौन सी है। मैं यहाँ पर वर्ल्ड वाइड कर दूंगा आइडिया लेने के लिए, ठीक है। बट एडसेंस में मैं फिर बता दूं, एडसेंस में हमने टारगेट रखना है यूएसए को, क्योंकि मुझे पहले मालूम है कि यूएसए के अंदर सीपीसी बहुत अच्छा मिलता है, यूएसए यूके कनाडा ऑस्ट्रेलिया, ठीक है, और यूके यूएसए कनाडा ऑस्ट्रेलिया, जैसे कनाडा है तो मैं इसको कनाडा के अंदर भी कीवर्ड रिसर्च करके और .ca एक्सटेंशन की डोमेन रजिस्टर करवा के वहां पे मैं काम करूंगा, ठीक है। तो मतलब ये मुझे यहाँ से आइडिया मिल रहा है कि माइक्रो ग्रीन्स कनाडा में बहुत ज्यादा सर्च होते हैं, सब नंबर वन न्यूजीलैंड है, नंबर टू यूएई है, नंबर थ्री कनाडा, देन सिंगापुर, देन कतर, ठीक है। यहाँ से मुझे मजीद कीवर्ड मिल रहे हैं, कीवर्ड का आइडिया मिल रहा है, हाउ टू ग्रो माइक्रो ग्रीन्स इन साइट। माइक्रो जो वर्ड साथ आ रहा है उसकी सर्चिस को हमने देखना है, सर्चिस को, मेथी माइक्रो ग्रीन्स, ठीक है। अच्छा और आपको आज एक और चीज का आइडिया देता हूँ, नहीं पता कि ये नीच क्या है, व्हाट इज माइक्रो ग्रीन्स, इस तरह आइडिया ले लिया, ठीक है। गूगल आपको उसके बारे में बताएगा, माइक्रो ग्रीन्स ऑफ वेजिटेबल ग्रीन्स हार्वेस्टेड जस्ट आफ्टर द कोटिलेडन लीव्स हैव डेवलप्ड, दे आर ग्रोन और परचेज बाय पीपल फोकस्ड ऑन न्यूट्रिशन और else are used as both a visual and flavor component primarily in fine dining restaurant, ठीक है। मतलब आप वीडियो देख सकते हो, आपको उसके बारे अपनी नीच के बारे में आपने अंडरस्टैंडिंग जरूर करनी है कि जिस नीच पे आप काम कर रहे हो। मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जाम्पल मुझे नहीं पता ये क्या चीज़ है, मैंने कभी इसके बारे में नहीं पढ़ा फॉर एग्जाम्पल, मगर अब मैं पढ़ रहा हूँ, अब मेरे जहन में आ रहा है, मैं इस पर अंडरस्टैंडिंग करके फिर इस पर काम करूंगा। यही एक SEO एक्सपर्ट रिसर्च जो है ना, वो SEO एक्सपर्ट कामयाब SEO एक्सपर्ट की बैकबोन है। अगर आप ये कहो ना कि भाई आप आंखें बंद करके अपने अपनी रिसर्च मतलब अपनी कीवर्ड्स को रैंक करवा लोगे, तो ऐसा नामुमकिन है। हमने जिस भी प्रोजेक्ट पे काम करना है, हमने उसको अंडरस्टैंड करना है वो नीच है क्या, तभी तो उस नीच पे हम काम करेंगे। अब मेरे कंपेटिटर्स हैं healthline.com, ठीक है, ये urbancultivator.net, ये इनको मैं अपने पास लिस्ट डाउन कर लूंगा, माइक्रो ग्रीन्स जो जो कीवर्ड पे मैं काम करता हूँ, जो टॉप पे साइट्स आएंगी उनको मैं अपने कंपेटिटर्स की लिस्ट में डाल दूंगा,
ये कंपेटिटर हैं, उनसे ज़्यादा अच्छा मुझे काम करना, उनसे ज़्यादा अच्छी मुझे अपनी साइट बनानी है, ठीक है। वो मजीद मेरे कंपेटिटर होंगे, पहला वही कंपेटिटर है जिसने मुझे आइडिया दिया, वो जो कल आप लोगों को मैंने साइट एनालिसिस करके दिखाई है, यानी कि ये काम करने का बेसिकली तरीका कार है, ऐसे काम किया जाता है। अच्छा, यहाँ से गूगल गूगल एडवर्ड्स से कीवर्ड निकाल लीजिए, यहाँ से ठीक है, ब्रोकली माइक्रोग्रीन्स, रेडिश माइक्रोग्रीन्स, ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स फॉर प्रॉफिट, ग्रोइंग माइक्रोग्रीन्स एट होम, मुझे लिस्ट मिल रही है यहाँ से, कीवर्ड्स मिल रहे हैं, ठीक है। तो ये मतलब मैं अपनी इस टास्क को पूरा करने के लिए ऐसी साइट फॉर एग्जांपल मैं बनाने जा रहा हूँ जो इस नीच के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल, तो मुझे ऐसे कीवर्ड सारे निकालने हैं। तो ये आपको एक आइडिया दे रहा हूँ। अब हम आगे नेक्स्ट चलते हैं कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स क्या होते हैं। लॉन्ग टेल कीवर्ड ऐसे कीवर्ड्स को कहा जाता है जो थ्री और मोर देन थ्री वर्ड्स पे मुश्तमिल होते हैं, उनको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कहा जाता है। लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बगैर हमारा गुजारा ही नहीं है, उसकी वजह बता देता हूँ कि लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लो कम्पिटिशन कीवर्ड्स को कहा जाता है। मैं उनको लो कम्पिटिशन कीवर्ड कहता हूँ जिनकी सर्चिस भी हों एज लॉन्ग एज 9 to 10 वर्ड्स मिनिमम, सीपीसी भी अच्छा हो ताकि हमें अच्छे पैसे मिलें, ठीक है। और बस इसको आपने देखना है। अब ये आप लोगों को मैं कह लो कि शॉर्टकट फार्मूला दे रहा हूँ कामयाब प्रोजेक्ट बनाने का। आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स ढूंढने, हमारी जो बेसिकली आप लोगों की जो असाइनमेंट होगी, असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1, फाइंड 50 लॉन्ग विनिंग कीवर्ड क्राइटेरिया के मुताबिक आप लोगों ने असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1 कंप्लीट करनी है और मुझे भेजनी है। आप लोगों के पास 2 हफ्तों का टाइम है, एक हफ्ता नहीं 2 हफ्तों का। और मैं यहाँ पर ये बात आप लोगों को क्लियर करता चलूँ कि जिसने असाइनमेंट नंबर 2 पार्ट 1 कामयाबी से बना ली, वो बंदा मुझसे गारंटी ले लेगा कि उसकी उस वो जब भी किसी कीवर्ड पर काम करेगा उसका हर कीवर्ड रैंक होगा, जब भी वो कीवर्ड पे का, क्योंकि कीवर्ड ही ऐसा आपने चूज करना आपको आ जाएगा कि जो बहुत जल्दी रैंक करे। आपने पहाड़ में से सोना निकालना होता है, अगर पहाड़ के ऊपर सोना पड़ा होता फिर वो सोना तो ना बचता, उसको तो इर्द गिर्द के लोग पहले ही उठा लेते। SEO में हम लोग यही काम करते हैं, मैं जो सिखाता हूँ बेसिकली कि आप लोगों को पहाड़ के अंदर जो सोना है वो निकालना सिखाने लगा, वो आप लोगों ने समझना है कि कैसे आपने निकालना है, ठीक है। पहाड़ खोद के निकालना है, दिन रात मेहनत करके निकालना है, व्हाटएवर जिस तरह भी करना है। आपने ऐसे कीवर्ड्स फाइंड करने हैं जिनका जो जॉब एक्चुअली लॉन्ग टेल कीवर्ड्स हो, और लॉन्ग टेल कीवर्ड से मुराद ये इस वर्ड को समझना है। सर्चिस वाले कीवर्ड तो हो ही हो, इतना लंबा कीवर्ड हो कि कम अज कम 9 से 10 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो, कम अज कम 9 से 10 वर्ड्स पे मुश्तमिल हो, और ऑफ कोर्स सीपीसी भी $1 या $1 से ज्यादा हो। ऐसा कीवर्ड हमने निकालना है जो कि लॉन्ग टेल कीवर्ड हो, मिनिमम सर्चेज उसकी 2900 हो, मिनिमम मैक्सिमम चाहे 5 लाख हो चाहे 50 लाख,
सीपीसी उसका $1 से ज्यादा हो, ठीक है, $1 से ज्यादा हो, कम ना हो, ज्यादा जितना मर्जी हो, $50 हो, $100 हो, $1000 हो। जब बैकलिंक्स एंड रेफरेंस डोमेन्स ये क्या होते हैं, इनको कैसे हम देखते हैं, SEMrush यूज करके या AHRF यूज करके, दोनों में से जो भी आपको टूल की अवेलेबिलिटी होगी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। जो भी जो है एट द टाइम ऑफ लाइक प्रिपेयरिंग योर असाइनमेंट, जो भी टूल अवेलेबल होगा आपने उससे ये बैकलिंक्स एंड रेफरेंस डोमेन चेक करने हैं, ठीक है। तो मैं आप लोगों को अब एक दो कीवर्ड्स निकाल कर दिखाता हूँ कि कैसे विनिंग कीवर्ड्स निकाले जाते हैं। सेम प्रोसेस आप लोगों ने करना है और उसके बाद आप लोगों की असाइनमेंट बनना शुरू हो जाएगी, क्योंकि जब तक निकाल कर नहीं दिखाऊंगा तब तक आपको ये चीज़ समझ नहीं आएगी कि विनिंग कीवर्ड आपने कैसे अपनी एक्सेल के अंदर ऐड करना है उसको, ठीक है, और मुझे सेंड करना है 50 कीवर्ड्स। $2900 मिनिमम, ठीक है। अच्छा जी, मैंने जो माइक्रो ग्रीन नीच थी उसके अंदर रहते हुए मैंने कीवर्ड्स फाइंड करने की कोशिश की, ग्रोइंग मशरूम फॉर प्रॉफिट, ये 100 से 1000 से चीजें, इस तरह के कीवर्ड नहीं लेने, 1K से 10K सक्सेस वाले कीवर्ड जैसे ये है, ये फिर भी ठीक है, मगर ये कीवर्ड बहुत शॉर्ट है, मुझे लॉन्ग टेल कीवर्ड चाहिए, जैसे कि सौ से 1000 सच से ऐसा कीवर्ड हमें नहीं चाहिए। हाँ, कीवर्ड लॉन्ग था बट ये वाला कीवर्ड इस तरह से ठीक नहीं है, 1K से 10K सर्चेस वाला ये कीवर्ड है। इस कीवर्ड को थोड़ा सा हम देखते हैं। अच्छा, इसके अंदर एक चीज और आप लोगों ने ऐड करनी है, इसका जो केस ये कीवर्ड कंपटीशन नॉट मोर देन 30, 30 से ज्यादा कीवर्ड का कंपटीशन नहीं होना चाहिए। ये कंपटीशन कैसे निकालते हैं ये मैं भी आप लोगों को बताने लगा। अच्छा, ये मैंने कीवर्ड निकाला, सीपीसी भी हमने देखना है इसका, 96 रुपीज़ है, इसका सीपीसी पाकिस्तानी तकरीबन 160 रुपीज़ होना चाहिए, ये तो 96 रुपीज़ है, तकरीबन ये 60 सेंट बनता है, ठीक है, तो बहुत कम है। मैं आप लोगों को आइडिया, जैसे ये है ना 165, ये $1 वाला एक कीवर्ड है, ठीक है, मगर ये कीवर्ड इतना ज़्यादा कोई अट्रैक्टिव नहीं है। हमने ऐसा कीवर्ड निकाला जिसका सेंस भी बनती हो और जो हमारे उस नीच के अंदर रहते हुए हम लोग उस पर आर्टिकल भी लिखें, टाइप्स ऑफ माइक्रोग्रीन, ये ठीक कीवर्ड है मगर इसकी सर्चिस कम है, ठीक है। ये जो है फॉर एग्जांपल मैं इसको ही देख लेता हूँ समझाने के लिए, और इसका जो CPC है वो 165, ये आपने ये वाला देखना है, टॉप ऑफ पेज बिड लो रेंज $1, ठीक है। अच्छा, उसके बाद कीवर्ड कंपटीशन, कीवर्ड है इसको लिखिए कॉपी, आया गूगल में, गूगल में आता हूँ इनवर्टेड कॉमा
कीवर्ड इन्वर्टेड कॉमा। अब एक पेज का जो कंपटीशन है वो है 3, दो पेजेस का कीवर्ड कंपटीशन हुआ 6, 3 पेजेस का कीवर्ड कंपटीशन हुआ 9। इस कीवर्ड, ये जो कीवर्ड मैंने आप लोगों के सामने निकाल के दिखाया है, इस कीवर्ड का कंपटीशन है 9। आप लोगों ने ऐसा ही कीवर्ड निकाला है जैसे मैंने आप लोगों को दिखा दिया है, ठीक है। इसी तरह के कीवर्ड आप लोगों ने ढूंढे, बट ये अभी कीवर्ड बहुत शॉर्ट है, ये जस्ट 3 वर्ड्स मुश्तमिल है। आप लोगों ने ऐसा कीवर्ड निकालने हैं, ऐसे कीवर्ड फाइंड करने, फॉर एग्जाम्पल 50 कीवर्ड है ना, तो 35 से 40 ऐसे कीवर्ड निकालने हैं जो 9 वर्ड्स लॉन्ग, 10 वर्ड्स लॉन्ग, 7 वर्ड्स लॉन्ग, 8 वर्ड लॉन्ग, इतने लंबे हो। जस्ट 3 वर्ड्स लॉन्ग ना हो, 5 वर्ड लॉन्ग हो, 6 वर्ड लॉन्ग हो, जितना लंबा कीवर्ड होगा आपके लिए उतना ही आसान है और जल्दी आपका वो कीवर्ड रैंकिंग में आएगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, जल्दी जल्दी वो कीवर्ड रैंकिंग में आएगा। और आपको डेफिनेटली स्टार्ट में मोटिवेशन चाहिए होती है, आपको ये चाहिए होता है कि आप काम करो और आपको जल्दी जल्दी रिजल्ट मिले, लाइक 10 दिन में 15 दिन में, क्योंकि ये तो नहीं हो सकता कि आपको 24 घंटे में रिजल्ट मिलने लग जाए, क्योंकि गूगल बहुत ज्यादा स्मार्ट होता जा रहा है टाइम टू टाइम, तो नई साइटों को स्लो स्लो रिजल्ट में शो करवाता है, स्लो स्लो दिखाता है। हाँ, आप बहुत बड़ी साइट से जो है वो लिंकिंग देना शुरू कर देते हो, ठीक है, और वो लिंक वहाँ पर परमानेंट भी रहता है फॉर एग्जांपल, तो डेफिनेट बात है आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। वो एक नेचुरल वे है, कोई ब्लैक हैट तरीका नहीं है, नेचुरल वे है, अदरवाइज नई साइट को टाइम लगता है। एज लॉन्ग एज पॉसिबल मैंने जैसे पहले आप लोगों को एक्सप्लेन की है, तो ऐसा कीवर्ड आप लोगों ने निकालना है। ठीक है, अच्छा ये किसी निकाल दिया। अब नेक्स्ट आप लोगों को मैं बताता हूँ कीवर्ड सर्चेज सीपीसी केसी। अब नेक्स्ट है जी बैकलिंक्स। अब बैकलिंक्स के लिए मैं अपने कंपेटिटर्स को देखूंगा कि जो इस कीवर्ड पे रैंक कर रहे हैं। मैं दोबारा इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहते हुए पहले पेज पे आऊंगा। ये जो साइटें हैं ना, ये सारी मेरी कंपेटिटर साइटें हैं, कंपेटिटर्स हैं इस नीच के अंदर रहते हुए, ये एक्चुअल वाले कंपेटिटर्स हैं, ठीक है। इनको वन बाय वन मैं ओपन करूंगा। इन्वर्टेड कॉमा के अंदर रहते हुए फोरम वाली साइट आ रही है, बहुत लो कंपटीशन कीवर्ड है ये, ठीक है। ये साइट आ रही है जी, इस साइट को मैं कॉपी किया, ये बैकलिंक्स और रेफरेंस डोमेन्स है। ये दो चीजें आपने अपने टॉप 10 कंपेटिटर्स की चेक करनी है, यानी कि उस कीवर्ड पे जिस कीवर्ड को आप, जो आपका विनिंग कीवर्ड बन चुका है, यानी कि ऊपर से नीचे तक हम आ रहे हैं फार्मूले के मुताबिक, टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं, ये हमारा कीवर्ड सही जा रहा है, हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक जा रहा है। इस उस कीवर्ड को हम जब इन्वर्टेड कॉमा के अंदर सर्च करवा के पहले पेज पे जो 10 के 10 कंपेटिटर्स है, इनको वन बाय वन हम एसएम रश में या एएचआरएफ में, एएचआरएफ में भी सेम इसी तरह से, इसका आप लोगों को लॉगिन पासवर्ड एक आरडीपी के ऊपर मिल जाएगा, हर बंदे को टाइम अलॉट हो जाएगा, अपने टाइम के अंदर रहते हुए आप जो है अपनी असाइनमेंट को कंप्लीट करोगे। आपको फॉर एग्जाम्पल 3 घंटे मिलते हैं, तो उसके बाद आपको 2 दिन बाद फॉर एग्जाम्पल टाइम मिलता है, तो फिर आपने 2 दिन बाद अपनी असाइनमेंट मजीद वहीं से कंटिन्यू करनी होगी। अदरवाइज आप लोगों को सेटअप समझा दूंगा कोर्स के दौरान, तो आप लोगों को ये टूल मिलते रहेंगे, और उसके बाद भी आप लोग ये जो टूल्स होंगे वो ग्रुप बाय की सूरत में ले सकोगे, वो भी आप लोगों को समझा दूंगा। और टूल के बगैर गुजारा नहीं है, क्योंकि एनालिसिस जो करने हैं वो हम आइडियली
आइडिया नहीं ले सकते हैं। बैकलिंक्स है 13,500, बहुत ज्यादा बैकलिंक्स है, बहुत ज्यादा बैकलिंक्स है। हम इस कीवर्ड को हम सिलेक्ट ही नहीं कर सकते हैं, 13,500 ये सारे ब्लैक हैट तरीके से बनाए गए हैं। बैकलिंक डोमेन का 369 है, बहुत ज्यादा, यानी कि इस कीवर्ड के इस साइट को टूल के जरिए बैकलिंक्स दिए गए होंगे, क्योंकि नेचुरल वे में इतने ज्यादा बैकलिंक्स देना बहुत मुश्किल काम है। रैंकिंग डोमेन बैकलिंक्स एंड रैंकिंग डोमेन ये हमने चेक कर लिया, ठीक है। ये बैकलिंक उसको हम करते हैं कंपेटिटर नंबर वन, इसी तरह कंपेटिटर नंबर टू, उसको हम देखेंगे यहीं पर सर्च करवाएंगे। कंपेटिटर नंबर टू कौन सा है, ये इस तरह हमने अपने कंपेटिटर नंबर वन, कंपेटिटर नंबर टू, हाँ कोई एक भी मैट्रिक अगर मैच नहीं होता होगा बिना कीवर्ड के क्राइटेरिया के मुताबिक, तो वो हमारा कीवर्ड हम वहीं छोड़ देंगे, आपने इससे आगे इस पे काम नहीं करना। जैसे कि ये बैकलिंक्स एंड रैंकिंग डोमेन बहुत ज्यादा है, हमने इस कीवर्ड पे काम नहीं करना, क्योंकि हमें कम अज कम 311 रैंकिंग डोमेन से ज्यादा 311 साइटों से साइटें चाहिए होंगी, जो कि इतनी जल्दी अरेंज करना बहुत मुश्किल काम है। एक साइट पे हमारा तकरीबन $10 से $50 का खर्चा हो रहा होता है वहां से बैकलिंक लेने पे, ठीक है, तकरीबन $10 से लेके $50 तक का, मैं एक रफ एस्टिमेट बता रहा हूँ। तो ये तो बहुत ज्यादा, बहुत बड़ा बजट हमें चाहिए, ये एक आइडिया दे रहा हूँ, ठीक है। तो ये है विनिंग कीवर्ड निकालने का क्राइटेरिया, जो आप लोगों को समझ नहीं आएगी नेक्स्ट लेक्चर में आप लोग मुझे दोबारा पूछ लोगे, बट की विनिंग कीवर्ड तक पहुंचना ऐसे ही है। ये जस्ट मैंने एक आइडिया के लिए आप लोगों को दिया है, आप लोग जब कीवर्ड निकालते जाओगे जहां जहां परेशानी आएगी मैं आप लोगों की हेल्प करता रहूंगा। आज के लिए इतना ही, अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। 9 केसी का आप जरा लेक्चर दोबारा देखना, फरहान मैंने बताया हुआ, ठीक है, ओके जी, ओके अल्लाह।